मैं डॉक्टर श्याम मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी गुर्दा रोग एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ। 13 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदाता दिवस में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में जो बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजे डायबिटीज हाइपरटेंशन बहुत सी बीमारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से अपना हार्ट किडनी लीवर और लंग्स जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और फेलियर की तरफ चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को ऑर्गन डोनेशन यानी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं डाटा की बात करूँ तो हर साल लगभग 1.8 to 2 lakh पर्सन ऐसे रहते हैं जिनकी किडनी परमानेंट खराब हो जाती है और उनको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है, परंतु सिर्फ 6,000 लोग ही ऐसे हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो पाती है। सिमिलरली मैं बात करूँ तो लीवर के लगभग 30,000 लोगों को ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है, पर लगभग 1500 लोग ही हर साल लीवर ट्रांसप्लांट उनका हो सकता है। इसी तरह से हार्ट की लगभग 50,000 लोगों को ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है, पर 15 लोगों का ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। इस तरह से एक रिक्वायरमेंट और ऑर्गन डोनेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की और दूसरों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों का ऑर्गन परमानेंट फेल हो चुका है उनको एक नई जिंदगी मिले।